हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का चाची भतीजी पाकशाला में। तो आज हम बनाएंगे कर्नाटका स्पेशल अवरेकाई वड़ा। वैसे तो अवरेकाई विंटर सीजन में मिलता है, लेकिन आप इस वड़े को किसी भी सीजन में बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे सूखे वाले जो अवरेकाई होता है उससे मैंने इसे बनाए हुए हैं। वैसे मैं अभी चाची के घर गई थी बैंगलोर, तो वहाँ पे मैंने इस अवरेकाई को ऑलरेडी मैंने वहाँ ही ले लिया था। लेकिन अगर आप इसे परचेस करना चाहें तो यहाँ पे अमेज़न में ही अवेलेबल है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अब आप देख सकते हैं ये जो मतलब बीज है, बिल्कुल एकदम सेमी के बीज की तरह लगता है और खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। वैसे ये अवरेकाई की जो सब्जी होती है ना, कर्नाटका स्पेशल, वो ऑलरेडी इसकी वीडियो जो है चाची ने डाला हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी अवरेकाई को रात भर भिगो के रख लिया था और यहाँ पे हमारा अवरेकाई जो बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है और हम इसे इसमें डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्च ले लिया। मिर्च जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून जीरा ले लिया है। और अब हम इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ ना करें और इसे बंद चालू करते हुए ग्राइंडर को आप इसे बढ़िया से ग्राइंड कर लें। और ये एकदम अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और हम इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया, हम इसे एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया, हम इसे भी कट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा प्याज और धनिया जो एकदम तैयार है, तो हम इसे बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे, जहाँ पे हमने अवरेकाई के दाल का वड़ा जो हमने रखा हुआ है उसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चावल का आटा ले लिया, जिससे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और इसकी बैंडी भी बहुत ही अच्छी आएगी। और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून और नमक ले लिया और थोड़ा सा अवरेकाई का बीज मैंने ले लिया। हम इसे इस तरीके से एकदम बड़े से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने करी पत्ता डालना भूल गई, तो यहाँ पे मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया। हम इसे भी डाल देंगे और इसे एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डो है जो एकदम बढ़िया से एकदम तैयार है। और यहाँ पे मैंने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लिया और हम इसे एकदम बढ़िया से वड़ा का शेप देंगे। आप इसे अपने पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसे राउंड कर ली हूँ, फिर इस तरीके से हम इसे चपटा कर लेंगे और एक एक करके इस तरीके से हम वड़ा को बनाते जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा वड़ा बिल्कुल मैंने सबको बना के रख लिया है, एकदम बढ़िया दिख रहा है। आप देख सकते हो बीज भी है, बीच में बीज दिख रहा है अवरेकाई का। और अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। स्टार्टिंग में हम इसे मीडियम में रखेंगे, उसके बाद कुछ सेकेंड्स के बाद ही 20-30 सेकेंड्स के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे 3-4 मिनट के लिए एकदम बढ़िया से क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका कलर जो कितना बढ़िया लग रहा है एकदम, और सच में ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिस्पी बना हुआ है। तो इस तरीके से हम इसे उलटते पुलटते दोनों साइड से हम इसे एकदम बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इतना बढ़िया सा कलर आ चुका, तो हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से मैंने बाकी बचे हुए वड़े को भी इस तरीके से तल लिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही डाला है, क्योंकि ये ऑयल ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा वड़ा को एक साथ डाल दिया। और आप देख सकते हैं इसका भी कलर एकदम बढ़िया आ गया, एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम इसे भी निकाल लेंगे। तो आप भी इस कर्नाटका स्पेशल अवरेकाई वड़ा को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपकी ये रेसिपी कैसे बनी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।